किशनगंज वालों दिल को संभालो, सोच समझ कर बटन दबाबो, पतंग छाप देकर बटन दबाना, अख्तर ईमान को एमपी बनाना, अख्तर ईमान को एमपी बनाना, पतंग छाप देकर बटन दबाना, अख्तर ईमान को एमपी बनाना। हैदराबाद से अवैसी आए हुए हैं, पूरे किशनगंज में छाए हुए हैं, पूरे किशनगंज में छाए हुए हैं, पतंग छाप देकर बटन को दबाना, अतुल ईमान को एमपी बनाना। रमजान क्या, रमजान साफ है इस बार, अतुल ईमान कांग्रेस के एमपी को तो मैं पूरे 5 साल में 2 बार देखा नहीं है। मास्टर मुजाहिद कोई फैक्ट नहीं है। देखिए, मोदी जी से बड़ा विकास कोई किया है? आधा हिंदुस्तान बोलता कि मोदी जी विकास किया। आपको लगता है कि हम मोदी जी को वोट देंगे? अगर मोदी जी को नहीं देंगे तो मास्टर को भी नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा? नहीं दे सकते हम। क्या वजह है नहीं दीजिएगा? क्या वजह है? वजह तो बताइए। हमारा टोपी, हमारा कपड़ा देख के हमको ट्रेनों में मारा जाता है, रास्ते में पकड़ के मारा जाता है, हमारे दुकानों पे बैंड लगाया जाता है। वो लोग बैठ बैठ के मीटिंग करते हैं कि मुसलमानों से खरीदो नहीं, मुसलमानों से कुछ लो नहीं, मुसलमानों को दुकान नहीं खोलने दो, मुसलमानों को कपड़ा का दुकान नहीं खोलने दो। तो हर तरह से तो हम ही लोग मर रहे हैं। मास्टर मुजाहिद साहब ने तो ऐसा नहीं किया है ना। लेकिन मास्टर मुजाहिद जीत कर जाएंगे कहाँ? क्या आपको लगता है कि मोदी के खिलाफ वो जा सकता है? अगर लोकसभा में कोई ऐसा बिल पड़ जाए जिसको पास करने की जरूरत पड़ जाए, आपको लगता है कि मास्टर मुजाहिद वहाँ हाथ खड़ा कर देगा कि मोदी जी मैं आपके साथ नहीं हूँ? मास्टर मुजाहिद ने नारा दिया, काम किया है, काम करेंगे। क्या काम किया आप बताइए ना? मास्टर मुजाहिद काम किया? वो तो हार के ही सारा काम कर रहा है, तो फिर जीतने का क्या जरूरत है? सारे सोशल मीडिया में तो माशाल्लाह ठीक ही काम कर रहे हैं वो, 5 साल जब से बैठे हुए हैं तभी से कर रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में कितना किया है? मेरा क्षेत्र में पड़ता ही नहीं है, मैं किशनगंज में हूँ। पूरे लोकसभा में वो काम कर रहा है? कैसे करेगा वो? कोई एमपी है क्या जो मेरा लोकसभा में वो काम तो करेगा? सोशल मीडिया वाले ही ना कहेंगे कैसे कर रहे हैं, वो तो काम किया है, काम करेंगे। सोशल मीडिया वाले को कोई काम भी नहीं है, सुन लीजिए। उनको मेहमान की तरह बुलाते हैं, पहले चाय पिलाते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं। सीमांचल को जाने अख्तर साहब की वजह से, बचपन से जानते थे किशनगंज, सीमांचल को हम लोग नहीं जानते थे। अख्तर साहब आकर के सब युवाओं में सीमांचल को लाया। सीमांचल नाम क्या होता है हम लोग नहीं जानते हैं। अभी गली गली गांव गांव बच्चा जानता है जो सीमांचल क्या है। सरकार नहीं बनेगी ना, बात तो वही आके अटक जाती है कि सरकार बननी नहीं। सरकार नहीं बना, 200 करोड़ का पुल पास कर दिया, वही अख्तर ईमान साहब है। इससे पहले तो 25 साल रहा, 25 साल और भी एमएलए रहा, कहाँ कुछ कर सका। ये मास्टर मुजाहिद जो बोल रहा है, मास्टर मुजाहिद जब हार जाता है तो बोलता है एएमयू बनाएंगे, जब जीत के रहता है तो कुछ नहीं बोलता है। क्या वजह है? ये हवा हवाई वाली बात, ये हवा हवाई बात है, ये सब बेतुका बात है। अख्तर ईमान जीतेगा तो इंशाल्लाह हम लोग संघर्ष करेंगे एएमयू के लिए। क्या नाम हुआ सर? मासूम रजा। कहाँ से? बहुत दूर से आए? बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बहुत करीब है क्या? हम ही लोग दूर से आए हैं। तो ये बताइए सर, इस बार चुनाव को लेकर के क्या सोचे हैं? सर, चुनाव को लेकर के तो मतलब अभी मामला बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग जिससे मतलब नफरत करते हैं यहाँ भाजपा से, और नफरत करे भी क्यों ना। आज जो मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है तो ये सारा दुनिया मतलब देख रहा है कि भाई मुसलमानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। और इसमें अगर कोई अगर बात खुल करके अगर कर रहा है तो हमारे बैरिस्टर असद ओवैसी साहब कर रहा है। तो एक बात तो साफ है कि जो हमारे हक और हुकूक की बात करेगा हम उसी के साथ। कांग्रेस कह रही है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमान हमारे साथ, आप कह रहे हैं कि कोई नहीं है? नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। सिर्फ एक भी काम हमको दिखा दे कांग्रेस की, मुसलमानों का अच्छाई के लिए किया है। मुसलमानों को मारा जा रहा है, कांग्रेस आवाज नहीं उठा रही है। एक तो है हमारे यहाँ निकम्मा सांसद, हम उसको बोलते हैं, लेकिन वो कोई हमको कोई वीडियो दिखा दे कि मुसलमानों के हक और हुक के लिए कोई बात हुआ है। तबरेज अंसारी को पैर में बांध करके मार दिया गया, जय श्री राम के नारे को लेकर के मार दिया गया, लेकिन कोई उसमें कोई बात नहीं उठाया। इंकलाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद, अकबर उलीमान जिंदाबाद।